हेलो। हाय हाउ आर यू? सर, आई एम ओके आई एम ओके। हाँ ओके, हिंदी में बात करें? हाँ हाँ दोनों, हिंदी इंग्लिश ओके दोनों। ओके। एंड आपको ये कानों में दर्द कब से हो रहा है? सर मुझे तो ये काफी सालों से हो रहा है। इचिंग होता था पहले थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़े टाइम के बाद इच करती थी तो कान एकदम गर्म हो जाते थे और पानी निकलता था कान में से। अब सर में तेल लगाते हैं? नहीं, तेल बहुत, मेरा स्काल्प एकदम ऑयली है ना, इसलिए मैं कभी ऑयल लगाती नहीं हूँ। और शैम्पू कितनी बार करते हैं? ऑल्टरनेट डेज एक बार। किस टाइप की शैम्पू यूज करते हैं? एंटी डैंड्रफ, डैंड्रफ है आपको? हाँ है, फुल ऑन डैंड्रफ है सर। मतलब कब से? वो जो स्कैल्प वो चिकना हो जाता है ना, वो वाला डैंड्रफ, वो फ्लेक वाला जो निकलता है ना, वो नहीं। वो तो मुझे मेरे ख्याल से व्हेन आई वाज अराउंड 15 इयर्स, देखिए, पिछले लगभग 25 साल से है, मुझे 20 साल अभी से है। अभी जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं रिसेंटली, जी उसमें जो बेसिक रीजन होता है शैम्पूज में, ये कंडीशनर होता है, हाँ वो कंडीशनर आपके जो डेंड्रफ या ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, उसको सप्रेस कर देता है। अच्छा तो अगर आपको डेंड्रफ की या किसी को भी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो किसी भी डेंड्रफ शैम्पू से कभी भी ठीक नहीं होता है, ना ही किसी ऑयल से ठीक ओके होता है, ना ही किसी और चीज से होता है। बेसिकली वो किसी भी तरीके का डेंड्रफ हो, उसका बेसिक जो रीजन होता है, जो स्काल्प से स्किन से जो नेचुरल ऑयल निकलना होता है, जब उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो वो हाँ ऑयल जो होता है स्किन की लेयर्स में, स्काल्प की जो लेयर होती है उसके अंदर जम के सूख जाता है, और उसी के डेंड्रफ बनता है, उसी के फ्लेक्स बनते हैं। जी तो वेदर यू कॉल इट ऑयली या कुछ भी कहें, तो अनलेस यू कैन गेट रिड ऑफ दैट ऑयल, तब तक वो ठीक या नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि जो ऑयल निकलना होता है, वो जब नहीं निकलता, तो वो धीरे धीरे जाकर नीचे की तरफ आने लगता है, वो कान वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा तो अब इसका नेचुरल तरीका तो ये है कि आप बालों में शैम्पू लगाना बंद कर दें, और सिंपल सा जो सस्ता वाला साबुन होता है वो यूज करना शुरू करें, लक्स वगैरह टाइप से, जिसमें कोई मॉइस्चराइजर नहीं हो, कुछ नहीं हो। अच्छा वो मैं वो नॉर्मल जो सोप रहता है वो यूज करूं। अच्छा हाँ जी। और उसके अलावा क्या करिए कि आप दिन में कोशिश करो, अगर मौसम ठीक हो तो दिन में 2 बार नहाओ, और कम से कम 15-20 मिनट के लिए एक बार ही में। और सर डेली धोइए, और अल्टरनेट डेज में साबुन लगाइए। वो भूल जाता है यूजली अल्टरनेट डेज का, तो मैंने उसका डिसाइड, मतलब मैं कैसे रेगुलेट करता हूँ कि इवन डेज में, मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 तारीख को सोप जी, लगाना है और ऑड डेज में नहीं लगाना, तो दैट अच्छा तो मेक द थिंग्स इजियर टू आपने वो ओवर। जो दिन में 2 बार बोला वो क्या बोला, नहाने के लिए? नहाने के लिए, जिसमें आप हर बारी बालों में अच्छे से धोएंगे, अगर आपको दो बार कुछ, बाल हाँ, धोना है। अच्छा अगर आपको डेंड्रफ क्या कहते हैं हेयर फॉल वगैरह की दिक्कत है, तो भी आपको डरना नहीं है उससे कि हेयर फॉल होगा। आप 2 बार ही अच्छे से बालों को धोएं, और जितनी देर भी बालों में पानी गिरता है, फिंगर टिप से उसको मसाज करते रहें, जितने बाल पानी को निकलते हैं फिंगर उस, टिप से मसाज करूं? हाँ, और जितने बाल निकलते हैं उसको निकलने दीजिए। नहीं, हेयर फॉल की तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मेरे बाल बहुत ज्यादा घने हैं ना सर, तो वो पसीना होता है ना बाल में, वो ऐसे निकल नहीं पाता है, बहुत ज्यादा घने बाल है। तो हाँ, तो उसमें भी फिर क्या मैं होता, उसको दिन में दो दो बार गीला करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ना मुझे नहीं, सर्दी कोई प्रॉब्लम खांसी? नहीं होगी। आप, नहीं, सर्दी खांसी का उससे कनेक्शन नहीं होता, सर्दी खांसी का कनेक्शन होता है सीधा सीधा आपके फ्लूइड इंटेक से। ओके तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, और उसके अलावा दिन में अगर टाइम मिलता हो 1-1 मिनट के लिए, आप फिंगर टिप से मसाज कर लीजिए, और सर को झुकाकर, ताकि जो भी डेंड्रफ है, जो भी फ्लेक्स है, वो निकलते रहें। तो आप इसको अच्छा, 10-5 दिन करेंगे, तो तो आपका फ्लेक्स तो जितना, नहीं निकलेंगे, निकलते पर वो मेरे हाथ पूरे ऑयली हो जाएंगे ना, एकदम ज्यादा ऑयल निकलता है मुझे स्किन पे से, बाल में से, ऐसे सब जगह से, तो पूरा तो मतलब उसको निकलने दीजिए। अच्छा अगर आपको ऑयल निकल रहा है तो बहुत अच्छा है, वो किस वजह से निकल रहा है पता नहीं, पर यूजली लोगों को, और दूसरा, आप साबुन नहीं यूज करते होंगे, आप वो यूज करते होंगे फेस वॉश वगैरह टाइप से?
लिक्विड। नहीं, मैं फेस के ऊपर तो मैं बिल्कुल साबुन लगाती नहीं हूँ, काफी साल हो गए, मैं सिर्फ पानी से ही धोती हूँ। मेरी स्किन बहुत डेलिकेट है ना सर, तो मुझे सोप सूट नहीं करता। क्या हो जाता है? एकदम ड्राई हो जाती है स्किन और रेडनेस, वो रोजेशिया है ना, तो वो आ जाता है। और सर मुझे रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन भी रहता है। देखिए जितने भी प्रॉब्लम है, जितना आपका नेचुरल ऑयल है, जो स्किल्प का स्किन स्काल्प जो भी ऑयल है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आपको ठीक नहीं होगा। अदर आई वुड से जो एजिंग का साइंस होता है ना स्किन के ऊपर, हाँ, वो भी उसी ऑयल की वजह से होता है। जितना आप उस ऑयल को सप्रेस करेंगे, अंदर रहने देंगे, तो वो हाँ, रिंकल्स वगैरह भी जल्दी आएंगे, स्किन जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। शुरू में तो वो ठीक लगेगा क्या? और दूसरा चीज, सोप से कोई दिक्कत नहीं होती है जो भी अच्छा, आपको। मैंने सोप लगाना ही एकदम, मतलब सालों से नहीं लगाती हूँ मैं, प्लेन और वाटर से तो मैंने मेकअप भी लगाना मैंने बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस, स्किन खराब ना हो जाए उसके लिए। नहीं, उसका प्रॉपर तरीका तो यही है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो आप रात को नहा के उसमें सोप लगा लें, ताकि सुबह तक नॉर्मल हो जाए। अच्छा, तो मैं सोप लगाऊं आपका कहना है? अल्टरनेट डे में लगाओ। अच्छा, और उसमें क्या होगा कि आपका जो भी ड्राई स्किन होगा, जो नेचुरल तरीके से ऑयल निकलना है, फिर वो ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा आप। और वो जब ऑयल निकलना शुरू होगा, तो धीरे धीरे स्किन की जो पफिनेस है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर आपको रोसेशिया का ज्यादा दिक्कत हो, तो आप जिस दिन पानी का इंटेक बढ़ाया होता है ना, 6 गिलास के करीब किया होता है, तो सभी में 1/4 स्पून सॉल्ट डाल लीजिए। सॉल्ट? हाँ, 1/4 स्पून, छोटे वाला चम्मच है ना, तो उसका 1/4 स्पून लेना है, ज्यादा मत ले लीजिएगा। 1/4 स्पून होना चाहिए, उससे आपका रोसेशिया वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अपना हाइड्रेशन वाले दिन जो अपन जिस दिन ज्यादा पानी इंटेक लेते हैं उस दिन भी कर सकते हैं, 6 दिन वाले में, जिस दिन 6 गिलास लेना है वो कर सकते हैं। मैं आपको जो नया रूटीन है वो भेज देता हूँ 7 डेज का। तो आपने वो पहले जो आपने मुझे दिया था वो चेंज कर दिया? हाँ, थोड़ा सा माइनर चेंजेस हैं उसमें, और फिलहाल मतलब ये चेंजेस कर लीजिए, शैम्पू को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। और दूसरा, आप स्काल्प में मसाज करेंगे, अगर स्काल्प से ऑयल निकलने लगता है, तो उसके अलावा कंघी भी दिन में 2-3 बार ही करिए, 2-2 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं करना, पर 1-1-2-2 मिनट करते रहिए। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो फिर उसमें रिकवरी जो होती है रुक जाती है। तो आपको कम कम टाइम के लिए करना है, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, दिन में 8-10 बार ही कर लिया, थोड़ा थोड़ा देर के लिए, आधा मिनट। तो कंघी करना जरूरी है सर? देखो, आपकी जब तक स्काल्प की मालिश नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। और अगर आपके नेचुरल ऑयल नहीं निकलेगा स्काल्प से, अगर आप कंघी करेंगे, तो वो जो आपका स्काल्प ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत चिकना चिकना रहता है सर। हाँ, तो वो होगा ना, जब आप कंघी करोगे, कंघी ज्यादा देर के लिए करोगे, तो वो जो भी चिकनाहट होगी वो सारे बालों में स्प्रेड हो जाएगी। वैसे भी आप कह रहे हो कि घने बाल हैं, डेंस है, तो अगर बालों में स्प्रेड होगा तो बालों में शाइनिंग आएगी। उसको 10 दिन लगेंगे बालों को स्ट्रेटन आउट होते हुए। शुरू में बहुत अनरूली और बेकार से लगेंगे, बट जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे वो ठीक होता जाएगा। ऑयल स्प्रेड होगा तो आपके बाल भी थोड़े से बेटर लगेंगे। हाँ, वो भी है। तो इन दोनों चीजों के लिए तो ये था, जहाँ तक पाँव के लिए था, तो वॉक एंड रेस्ट करिए, और शाटिका का भी करिए 5-7-10 दिन के लिए। उसमें भी वही होता है कि आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा देर के लिए करें, मतलब 10-10 सेकंड के लिए करें, और ज्यादा प्रेशर मत डालें, और दिन में 10-15 बार ही करें, तो 2-4-5 दिन में वो भी आपका पूरा 100% ठीक हो जाएगा। वॉक एंड रेस्ट करते रहिए, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते रहिए, ठीक है। इससे आपको मतलब 15-20 दिन स्टार्ट करना चाहती थी, तो मैं ये वॉक एंड रेस्ट और ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो साइकिल है सर, उसको मैं कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए करूं कि मैं उसको एक लाइफस्टाइल ही बना दूं? उसको आप लाइफस्टाइल बनाइए। आप फोन तो अटेंड करते ही होंगे दिन में, आज की डेट में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसके 1 घंटे के फोन कॉल ना होते हो। हाँ, ठीक है, तो आप जब भी फोन कॉल करें आप चलना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो दैट इज द वे यू कैन सेव योर टाइम, कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। आप कुछ अपने डेली लाइफ के कुछ रूटीन्स हैं जो उसको आप देखिए, और उसके हिसाब से उसको ऐसा बना, मतलब ऐसे अडॉप्ट कर लीजिए कि वो आपका वॉक एंड रेस्ट का टाइम उसमें लग जाए, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े वॉक एंड रेस्ट के लिए। राइट। और वॉक एंड रेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल वही है, 5 मिनट्स वॉक 5 मिनट्स रेस्ट। और सर वो मुझे कान में जो फंगल इन्फेक्शन घड़ी घड़ी होता है, उसके लिए कुछ बताइए ना। उसके लिए वही है कि जैसे जैसे आपका ऑयल निकलना शुरू होगा स्किन से और ऊपर से,
स्काल्प से, तो वैसे वैसे वो ठीक होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब वहाँ पर ये सब जमा होता है ना ऑयल, और उसको ड्राई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन खत्म होता जाता है वहाँ से, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन खत्म होगा पहले इचिंग होगी, फिर वो डेड होती जाएगी स्किन, वो दिक्कत आती जाएगी उससे, वो और भी कानों की प्रॉब्लम आती है लोगों को, जैसे वो सीटी बजती है जिसको क्या बोलते हैं उसको, वो फिर वो सारे शुरू होते हैं, जैसे जैसे आपका स्काल्प और इसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता रहेगा वैसे वैसे खत्म हो जाएगा, होपफुली विद इन 2-3 मंथ इट शुड बी ओवर। ठीक है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग थिंग, और एक बार ठीक हो जाने के बाद तो आप इतना रेगुलर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर अगर 3 महीने में ठीक होता है तो यू कैनॉट स्टॉप आफ्टर 3 मंथ, इन अदर 3-4 मंथ करते रहे ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर नहीं हो जाए दोबारा। सर मैंने लास्ट टाइम जो पूरा मैंने 2 महीने के लिए फॉलो किया था, उससे मेरी लाइफ में मैंने छोड़ देने के बावजूद काफी परमानेंट चेंजेस आ गए हैं मेरी लाइफ के अंदर जो इतने सालों से नहीं थे, तो सर उसके लिए मैं आपको खास थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप हम सबके लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम फोन पे हम आप गाइडेंस देते हैं आपको, थैंक यू वेरी मच सर, और मैं ये करूंगी, और इसको मैं आपको फिर फॉलो अप में मुझे क्वेश्चंस रहेंगे या डाउट्स होगा और जो इम्प्रूवमेंट्स होगा वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू सर।